हाँ तो दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन एक सब्सक्राइबर दोस्त ने पूछा है फाइबर इंटरनेट कनेक्शन को लेके, जो वायर इंटरनेट कनेक्शन होता है उसको लेके, कि ये जो वायर इंटरनेट कनेक्शन होता है वो सेम वायर से आता है, तो यहाँ पे सेम वायर से आने के बावजूद अगर आपके घर में उसी वायर से आ रहा है और आपने 30 Mbps का कनेक्शन लिया है तो आपको 30 Mbps मिल रहा है, सेम वायर से आपके पड़ोस में किसी के घर में दिया गया है, वहाँ पे उन्होंने 60 Mbps का कनेक्शन लिया है, तो सेम वायर से उनके पास भी गया है, तो वहाँ पे 60 Mbps कैसे हो गया? यही क्वेश्चन है वहाँ पे, आप देख सकते हैं उनका क्वेश्चन। इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे, उनका क्वेश्चन का जो है आंसर देंगे, और अगर आपका दिमाग में भी ये क्वेश्चन है, ये सवाल है, तो आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी के पास ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज जो है पहुंच सके। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो, इस तरह का यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल अपडेट्स, सरकारी योजनाओं का अपडेट लगातार इस चैनल पर आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना, वीडियो देख के अच्छा लगा तो एक लाइक करना, और आपका कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो, या फिर आपका जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन इस तरह इंटरेस्टिंग हुआ है तो उस पर भी एक वीडियो बनेगा और आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन था कि जो फाइबर इंटरनेट है, जो वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन है, वो सेम वायर से आने के बावजूद जो है हर किसी के पास अलग अलग स्पीड कैसे आ रहा है, जिसने जितना प्लान ले रखा है उसी हिसाब से स्पीड कैसे देता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे दो प्रोसेस काम करता है, एक होता है बैंडविड्थ कंट्रोल और एक होता है बैंडविड्थ थ्रॉटलिंग। दोस्तों, बैंडविड्थ थ्रॉटलिंग जो है वो एक गंभीर विषय है, उसके बारे में बाद में जानेंगे, और ये जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, जो बैंडविड्थ थ्रॉटलिंग है इसके बारे में अगर आप जब जानेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बैंडविड्थ कंट्रोल के बारे में समझेंगे। दोस्तों, अगर जो मोबाइल का सिम होता है, जो मोबाइल डाटा आप यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में अगर बात करें, उसका जैसे ही आप डेली लिमिट ख़त्म कर लेते हैं तो आपका स्पीड लिमिट डाउन कर दिया जाता है, वो समझ आता है क्योंकि आपका नंबर उनको पता है, तो आपके नंबर के अगेंस्ट जो भी डाटा आपको दिया जाता है वो ख़त्म होते ही आपको जो है, आपका डाटा जो है वो ख़त्म होते ही स्पीड लिमिट को डाउन कर दिया जाता है, समझ आता है। लेकिन बात है कि अगर वायर्ड इंटरनेट है, फाइबर इंटरनेट कनेक्शन जो वायर के थ्रू घरों में आ रहा है, उस पर उनको पता कैसे चलता है, सेम वायर से सबको, सब ले रखे हैं सेम वायर से सबको, उनको पता कैसे चलता है सिस्टम कैसा है, उनको कैसे पता चल जाता है कि आपका लिमिट इतना है या दूसरे का लिमिट इतना है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आपने नोटिस दिया होगा, जब भी आप फाइबर इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, आपका मॉडेम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका घरों में एक मॉडेम लगता है और उसी मॉडेम का दोस्तों एक आईडी होता है। अगर आप BSNL फाइबर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे तो टोटली नंबर होता है, जैसे टेलीफोन नंबर होता है उस तरह का एक नंबर दिया जाता है, लैंडलाइन नंबर। और अगर आप दूसरे किसी भी कंपनी का फाइबर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे एक सर्वर आईडी होता है। दोस्तों, हर मॉडेम का, आप मॉडेम के नीचे जो है, आप एक बार मॉडेम को इस तरह से उल्टा करके देखिएगा, नीचे एक आईपी एड्रेस होता है। उस आईपी एड्रेस में दोस्तों, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन, आपका इंटरनेट कार्ड भी दिया गया है, आप उस आईपी पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद दोस्तों, वहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन पेज आता है और वहाँ पे दोस्तों सारा खेल है। दोस्तों, जब भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके घरों में कोई भी इंटरनेट इंस्टॉल करता है, कोई भी फाइबर इंटरनेट इंस्टॉल करता है, तो आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर में बैठ के या फिर वो अपने कंप्यूटर में आपके मॉडेम में कनेक्ट करके कॉन्फ़िगर करता है सिस्टम को। तो जैसे ही वो कॉन्फ़िगर करता है, एक आईडी आपको अलॉट कर दिया जाता है आपके मॉडेम के अगेंस्ट, तो उसी आईडी को जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नोट कर लेता है और उसी आईडी को जो है वो अपने सिस्टम में फीड कर देता है कि इस आईडी के अगेंस्ट में मुझे 30 Mbps कनेक्शन देना है। तो आपका आईडी जो है वो टोटली सबसे अलग होगा, और यही आईडी जो है जब आपके मॉडेम में, जो मॉडेम आप अपने घर में यूज़ कर रहे हैं उसी मॉडेम में वो आईडी जो है सेट कर दिया जाता है। अगर आप इस मॉडेम को खोल कर किसी दूसरे मॉडेम को वहाँ पर लगाते हैं आपके इंटरनेट कनेक्शन में, आपने देखा होगा इंटरनेट चलना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि आपके इस मॉडेम पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने एक आईडी सेट करके उसको कॉन्फ़िगर कर दिया है। अभी आप अगर यहाँ पे दूसरा मॉडेम लगाते हैं तो वहाँ पे सेम आईडी सेट करना होगा, उसके बाद ही आपका इंटरनेट चलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक तो आप समझ गए होंगे कि हर किसी के घर में अलग अलग स्पीड कैसे जाता है। इसी के थ्रू आता है कि जो वायर तो सेम है, यहाँ पे वायर पे फुल स्पीड दिया जा रहा है, मतलब नलके में जो है पानी फुल है, लेकिन यहाँ पे जो पानी आपके घरों में लाया गया है, वो पानी आपके घरों में आने से पहले यहाँ पे एक मशीन फिट कर दिया जाता है, जिसको मॉडेम बोला जाता है। जिस मॉडेम को दोस्तों सेट किया जाता है एक स्पेसिफाई लिमिट पे, आपने जितना प्लान ले रखा है वहाँ पे जो आईडी सेट किया जाएगा, उस आईडी के अगेंस्ट में जो इंटरनेट सर्वर है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास जो सर्वर है, वहाँ पे आपकी इस आईडी को फीड किया जाता है। और वहाँ पे मतलब कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, अभी टेक्निकल इतना बताऊँगा तो शायद आपको कन्फ्यूजन होगा, तो
उस सर्वर पे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो सर्वर है उस पे आपके आईडी पे अगेंस्ट में बताया जाता है कि फलाना व्यक्ति ने जो है 30 Mbps का कनेक्शन लिया है, तो उनको 30 Mbps का जो है इंटरनेट स्पीड देना है। जैसे पाइप में पानी तो फुल है लेकिन आपके पास 30 Mbps की स्पीड से पानी आएगा, तो वहाँ पर सेट किया जाता है और आपका मॉडेम आपको उसी स्पीड में प्रोवाइड करता है। अभी आप बोलेंगे तो मैं मॉडेम का कॉन्फ़िगरेशन जो है छेड़छाड़ कर दूंगा, पड़ोस का इंटरनेट का जो डिटेल्स हो मेरे मॉडेम में फीड कर दूंगा, ऐसा होगा तो पड़ोस का इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा और जैसे ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाले के पास कंप्लेन जाएगा वो ऑब्वियसली आके आपका मॉडेम चेक करेगा। यहाँ पे पासवर्ड होता है, आईपी होता है, काफ़ी सारे चीज़ होता है जिनको कन्फिगर करना आता है, वो हो सकता है इस तरह से कर ले, लेकिन इस तरह से करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। ऑब्वियसली कुछ ही सेकंड्स के अंदर वहाँ पे शो कर देगा कि कौन से मॉडेम में कौन सा आईडी फीड है, क्योंकि आपका मॉडेम का एक यूनिक आईडी होता है, एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, सारा डिटेल्स अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया जो क्वेश्चन था यहाँ पे जो सब्सक्राइबर मित्र का कि हर किसी के पास अलग अलग इंटरनेट स्पीड कैसे जाता है सेम वायर से, तो यहाँ पे वायर तो सेम है लेकिन हर किसी के घर में जो मशीन लगा हुआ है, जो मॉडेम है, उसमें एक आईडी होता है और यहाँ पे पासवर्ड आईपी सारे जो है अलग अलग होते हैं और उसी आईडी के बेस पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है हर किसी को अलग अलग स्पीड प्रोवाइड कर पाता है। तो ये रहा, मतलब ये इतना तक था ये प्रोसेस। अभी बताता हूँ बैंडविड्थ थ्रॉटलिंग क्या होता है। दोस्तों आपने देखा होगा कभी भी गवर्नमेंट जो है चाहे तो इंटरनेट को जो है किसी पर्टिकुलर एरिया में बंद कर देता है, स्लो कर देता है, जाम कर देता है, तो वो होता है बैंडविड्थ थ्रॉटलिंग। इसको एक अच्छे सिस्टम के लिए, अच्छे प्रोसेस के लिए निकाला गया था, लेकिन ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आजकल जो है इसका गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं। ये क्या करते हैं, जब भी देखते हैं इंटरनेट पर लोड पड़ रहा है फाइबर इंटरनेट पर, उनको और ज़्यादा सर्वर ना रन करना पड़े, वो क्या करते हैं बैंडविड्थ थ्रॉटलिंग का इस्तेमाल करते हुए आपका मौजूदा इंटरनेट कनेक्शन पर लोड डाल देते हैं और जिसके वजह से आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो होता है। आपने नोटिस किया होगा कभी कभी आपका 30 Mbps वाला इंटरनेट कनेक्शन 10 Mbps पे चल रहा है, आपका 100 Mbps का जो इंटरनेट रेगुलर चल रहा है वो अचानक से 10 Mbps 5 Mbps पे चल रहा है। तो ज़्यादातर मामले में कभी कभी सर्वर का इशू होता है, लेकिन बहुत टाइम देखा गया है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाले जो है अपने सर्वर कॉस्ट, अपने मेंटेनेंस कॉस्ट को बचाने के लिए बैंडविड्थ थ्रॉटलिंग का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट को डाउन कर देते हैं थ्रॉटल की मदद से, ताकि जो यूज़र है वो इंटरनेट चलाना कम कर दे, क्योंकि वो लोड ज़्यादा होगा, आपका स्पीड डाउन होगा, आप जो है ब्राउजिंग करना कम कर देंगे। तो ये इनकी बदमाशी है, कभी कभी ये करते हैं। दरअसल ये गवर्नमेंट ने अपने फायदे के लिए निकाला था, लेकिन ये अभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाले जो है अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बैंडविड्थ थ्रॉटलिंग। तो उम्मीद करता हूँ भाई का जो क्वेश्चन था, जो दोस्त ने क्वेश्चन किया था यहाँ पे कि ये कैसे होता है, उनका ये कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन आपको लग रहा है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा से आपकी इस क्वेश्चन का आंसर देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है टैग को लेकर तो आप ज़रूर कीजिएगा, उस पर भी एक वीडियो मैं बनाऊँगा और आपके सामने वो वीडियो लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक करना, कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर देना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।